बहुत सालों पहले की बात है, महानिया राज्य में कर्ण नाम का एक राजा शासन करता था। राजा का दिल बहुत साफ था। वह हर त्योहार के दिन लोगों को दान देता था। इस साल भी एक त्योहार के अवसर पर राजमहल में दान लेने वालों की भीड़ लगी हुई थी। राजा ने सबको भर भर कर दान दिया और अंत में कमर को झुकाते हुए एक महिला राजा के पास दान लेने के लिए पहुंची। लेकिन तब तक राजा के पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। राजा ने तुरंत अपने गले से हीरों का हार निकालकर उस महिला को दे दिया। वह महिला राजा के सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देती हुई चली गई। अगले दिन राजा अपने बगीचे में बैठकर सोच रहे थे कि मेरे जीवन में एक पुत्र की कमी है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन पुत्र सुख क्यों नहीं दिया? तभी राजा की गोद में आकर एक आम गिरा। राजा इधर उधर देखने लगे। उनके मन में हुआ कि आखिर यह आम उनकी गोद में कहां से आ गया। तभी कुछ देर बाद उन्हें बहुत सारी परियां दिखाई दी। उन सभी परियों में से एक नीली आंखों वाली परी राजा के सामने आई और बोलने लगी कि आम को अपनी पत्नी को दे देना, यह आम तुम्हें पुत्र रत्न देगा। इसे खाने के 9 महीने बाद ही तुम्हारी पत्नी मां बन जाएगी। वैसे तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख तो नहीं है, लेकिन तुम एक नेक दिल राजा हो, बहुत दानी हो, सभी का ध्यान रखते हो, इसीलिए तुम्हें यह सुख मिला है। लेकिन यह सुख तुम्हें केवल 21 साल तक मिलेगा। जैसे ही तुम्हारे बेटे की शादी होगी, उसकी मौत हो जाएगी। राजा ने दुखी मन से नीली आंखों वाली परी से पूछा, इसको टालने का कोई उपाय नहीं है क्या? परी ने कहा, राजन, कल मैं कमर झुकाते हुए एक साधारण महिला के रूप में तुम्हारे दरबार में दान लेने के लिए आई थी। देखो, जो माला तुमने मुझे दी थी वो मेरे गले में है। तुम्हें इसी कर्म और दूसरों की मदद करने की भावना के कारण ही मैं तुम्हें पुत्र का आशीर्वाद देने आई हूँ। लेकिन तुम्हारा बेटा 21 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। फिर भी तुम उसकी मौत होते ही उसे एक संदूक में डाल देना। उसके बाद संदूक में 4 दही के घड़े रखना और बीच जंगल में जाकर छोड़ आना। इतना कहकर नीली आंखों वाली परी वहां से ओझल हो गई। राजा ने महल जाकर सारी बात अपनी पत्नी मैत्री को बता दी और उसे आम खाने के लिए दिया। राजा की पत्नी ने आम खाने के ठीक 9 महीने के बाद एक पुत्र को जन्म दिया। बेटा होने की खुशी में राजा ने बहुत बड़ा जश्न किया। जश्न के बाद बेटे का नाम उसने देव रखा। होते होते राजकुमार देव की उम्र 21 वर्ष हो गई। उसके विवाह के लिए प्रस्ताव आने लगे। राजा ने एक बुद्धिमान लड़की वत्सला से अपने बेटे की शादी करा दी। शादी के कुछ दिनों के बाद ही नीली आंखों वाली परी की बात सच हो गई और राजा का बेटा देव मर गया। राजा और रानी नीली आंखों वाली परी की बात को भूल गए थे। जब देव के अंतिम संस्कार के लिए राजा लोगों के साथ शमशान की ओर बढ़ने लगे तो राजा को नीली आंखों वाली परी की बात एकदम याद आ गई। तुरंत राजा ने सबको एक बड़ा सा संदूक और 4 दही के घड़े लाने के लिए कहा। संदूक आते ही राजा ने भारी मन से अपने बेटे को उसमें डाला और दही के 4 घड़े भी उसमें रख दिए। और उसके बाद राजा ने सैनिकों की मदद से उस संदूक को घने जंगल के बीच में रखवा दिया। वहां से लौटने के बाद राजा का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। कुछ समय बाद देव की पत्नी अपने मायके चली गई। समय बीतता गया। देव की मृत्यु को अब 1 साल हो गया था। देव की पत्नी वत्सला के घर एक बूढ़ा आदमी खाना मांगने के लिए पहुंचा। उसने बड़े प्यार से उसे खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उस भिखारी ने अपना हाथ धोने के लिए दूसरे हाथ की मुट्ठी खोली।
तभी वत्सला ने उसकी मुट्ठी में अपने पति देव की सोने की चेन देखी। वत्सला ने तुरंत भिखारी से पूछा, आपको ये चेन कहाँ से मिली? ये तो मेरे पति की है, जिन्हें संदूक में बंद करके जंगल के बीच में रखा गया था। भिखारी ने डरते हुए कहा, हाँ मैंने यह चेन उसी संदूक से निकाली है। वत्सला ने कहा, आप डरिए मत, मैं सिर्फ उस जंगल तक जाना चाहती हूँ जहां मेरे पति का शव उस संदूक में रखा है। भिखारी ने कहा, वह एक भयानक जंगल है, मैं आपको वहां तक नहीं ले जा पाऊंगा। हाँ आप चाहो तो मैं आपको उस संदूक से थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ सकता हूँ। वत्सला तेजी से भिखारी के साथ जंगल की तरफ पहुंची। घने जंगल से पहले ही भिखारी वहां से भाग गया। फिर वत्सला अकेले ही अपने पति के संदूक को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। वहां जाकर उसने अजीब अजीब चीजें देखी। उस संदूक के पास बहुत सारी परियां थीं। वत्सला पेड़ के पीछे छुपकर वह सब देखने लगी। वत्सला ने देखा कि सारी परियों के बीच में एक नीली आंखों वाली परी आई। उसने संदूक में एक लकड़ी देव के मृत शरीर के सिर के पास और एक पैर के पास रखी। तभी देव संदूक से बाहर आ गया। परियों ने देव को मिठाई खिलाई और दोबारा संदूक के अंदर डालकर लकड़ियों की स्थिति बदल दी। रोज रात को नीली आंखों वाली परी इसी तरह से देव को संदूक से बाहर निकालती और फिर उसमें वापस भेज देती थी। वत्सला डरते डरते उस जंगल में फल खाकर 3 से 4 दिन तक यह सब देखती रही। एक दिन वत्सला ने संदूक खोलकर नीली आंखों वाली परी की तरह ही लकड़ी की स्थिति को बदला। तभी देव संदूक से बाहर निकल आया। देव ने जैसे ही अपनी पत्नी को देखा तो वह हैरान हो गया। देव कुछ बोल ही रहा था कि अचानक वत्सला बोल पड़ी, मैं आपको इस जंगल में इस स्थिति में अब और नहीं रहने दूंगी, आपको मेरे साथ चलना होगा। देव ने वत्सला को समझाते हुए कहा, मैं नीली आंखों वाली परी की वजह से ही इस दुनिया में आया था, मैं उसकी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकता। तुम मेरे संदूक में रखा हुआ एक घड़ा अपने साथ लेकर मेरे राज्य चली जाओ, वहां छुप कर रहना। तुम्हें 9 महीने बाद एक पुत्र होगा, तब मैं तुमसे मिलने आऊंगा। अब तुम मुझे लकड़ी की स्थिति बदलकर पहले की तरह ही इस संदूक में जाने दो। वत्सला ने अपने पति के कहे अनुसार ही किया। सबसे पहले संदूक में पति को भेजा, फिर वह दही का एक घड़ा लेकर रूप बदलने के बाद राजमहल पहुंची और रानी को चिट्ठी भेजकर रहने के लिए जगह मांगी। रानी ने दया करके उसे राजमहल के पास ही एक कमरा रहने के लिए दे दिया। जब रानी को पता चला कि वह गर्भवती है तो रानी उसका ख्याल भी रखने लगी। जब वत्सला ने बच्चे को जन्म दिया तो देव उससे मिलने के लिए आया। उस समय रानी पास से गुजर रही थी। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को पहचान लिया। रानी सीधे देव के पास पहुंची और पूछने लगी, यह तुम्हारी पत्नी है क्या? यह तुम्हारा पुत्र है क्या? तुम जीवित हो? अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। देव ने कहा, माँ मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूँ, इसका एक ही उपाय है, आपको अपने पोते के लिए एक उत्सव रखना होगा। आप उसमें सारी परियों को बुलाइए, जब सभी परियां आ जाएं, तो नीली आंखों वाली परी का बाजू बंद किसी तरीके से निकाल कर जला देना। उसके बाद नीली आंखों वाली परी से मेरे जीवन का वरदान मांग लेना। इतना कहकर राजकुमार देव वहां से चला गया। उसकी माँ ने दुखी मन से उसे विदा किया। कुछ ही दिनों में रानी मैत्री ने अपने बेटे देव के कहे के अनुसार जश्न रखा और सारी परियों को बुलाया। सभी जश्न में डूबे हुए थे। तभी रानी मैत्री का पोता रोने लगा। रोते बच्चे को देखकर नीली आंखों वाली परी ने उसे गोद में उठा लिया। तभी रानी मैत्री ने परी से कहा, देखिए न, इसे आपका बाजूबंद पसंद आ गया है, तभी तो आपके पास आते ही इसने रोना बंद कर दिया, क्या आप कुछ देर के लिए अपना बाजूबंद इसे खेलने के लिए दे सकती हैं? परी ने तुरंत अपना बाजूबंद उस बच्चे को दे दिया।
रानी मैत्री को इसी मौके का इंतजार था। उसने सबकी नजरें बचाते हुए उस बाजूबंद को आग में डाल दिया। नीली आंखों वाली परी ने अपने जलते हुए बाजूबंद को देखकर रानी मैत्री से पूछा, आपने ये क्या किया? अब हम आपके बेटे देव को अपने पास उस जंगल में नहीं रख पाएंगे। यह सुनते ही रानी मैत्री ने रोते हुए परी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, आपकी कृपा से ही मुझे वह बेटा मिला था। अब आपको ही कृपा करके मुझे मेरा बेटा लौटाना होगा। मैं आपसे अपने बेटे के जीवन की भीख मांगती हूँ। नीली आंखों वाली परी को माँ का प्यार देखकर उस पर दया आ गई और उन्हें आशीर्वाद दे दिया। परी के आशीर्वाद से राजकुमार देव संदूक से निकलकर घर वापस लौट आया। राजकुमार अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।